नमस्कार दोस्तों, मैं परम जस्सल कुंडली टीवी के खास प्रोग्राम आपका राशिफल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें और शेयर करें। आपका जो राशिफल है, शुरुआत करने से पहले हम आपको बता देते हैं आज के पंचांग के। पंचांग मंगलवार 24 दिसंबर 2019, चंद्रमा वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे। राहुकाल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक रहेंगे। शुभ दिशा व्यय कोण, दिशा शूल उत्तरा भाद्रपद, दोपहर 12:19 से लेकर रात 11:50 तक का। शूल योग रात्र है 1:25 तक का। विशेष मासिक शिवरात्रि व्रत। बात करते हैं हम मेष राशि के लिए, तो मेष राशि वालों, आपके लिए दिन कैसा रहेगा? आज आपके लिए सितारे बहुत अच्छे नहीं है। ड्राइविंग करते समय आपको ध्यान रखना है किसी के झांसे में ना आए, मगर जनरल जो आपकी हालत है वो ठीक ठाक रहेगी। उपाय करना पड़ेगा बिल्कुल छोटा सा, काली मिर्च और सिंदूर लगा के भैरव बाबा को अर्पित कर दे। आ जाती है वृष राशि, नए काम की शुरुआत के लिए दिन प्रतिकूल रहेगा। हेल्थ बिगड़ सकती है, बट फिर भी बिजनेस वाइज आपको सफलता मिलेगी। भाग्य का साथ ना मिलते हुए भी आप खुश रहेंगे। संतान को लेकर टेंशन रहेगी, छोटा सा उपाय है आपके लिए, हनुमान चालीसा का पाठ करें। है मिथुन राशि, आज विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। आध्यात्मिकता की ओर आकर्षक रहेंगे आप, घर में क्लेश का वातावरण रह सकता है, तो इस चीज को खत्म करने के लिए क्या करना है आपने उपाय? उपाय में पूरा दिन आप राम नाम का जाप करें। कर्क राशि, मन बुद्धि पर आप जब्त रखें, ताकि मन पर हावी होने वाली नेगेटिविटी जो है आपके सोच विचारों को गलत ना होने दे, और गलती से गलत फैसले ना लें आप। शुभ कामों में ध्यान करें, छोटा सा उपाय करना है इसके लिए, चमेली का तेल का दीपक जलाएं। अगली राशि आ जाती है हमारी सिंह राशि, कोर्ट कचहरी के कामों के लिए सितारा जो है थोड़ा ढीला है, इसलिए आज के दिन कानूनी दाव पेचों में हाथ ना फंसाएं। अफसर भी आपसे नाराजगी हो सकती है, नाराज हो सकते हैं किसी काम के लिए, आज आपको सख्त रवैया देखने को मिल सकता है, छोटा सा उपाय करना है, धार्मिक स्थल पर जयफल अर्पित करें। अगली राशि है हमारी कन्या राशि, ऑफिस में अधिकारियों से लाभ होगा, पदोन्नति की आपकी बात हो सकती है, परिवार में सुख शांति रहेगी, पिता के साथ आपके संबंध सुधरेंगे, फ्रेंड्स के साथ आपको शाम का समय जो है पार्टी का हो सकता है, तो इसके लिए छोटा सा उपाय करिए, हनुमान जी पर बेसन के लड्डू चढ़ाएं। अगली राशि है तुला राशि, कारोबारी कामों के लिए सितारा ढीला रहेगा, इसलिए ना तो कोई कामकाजी टूर करें, और ना ही कोई कामकाजी ध्यान में बेध्यानी रखें, यानी कि अपने माइंड को फोकस ऑन द वर्क पे कीजिए। जैसे उपाय इसके लिए क्या करना है आपको, हनुमान जी की पूजा के लिए लाल आसन का इस्तेमाल करें और हनुमान जी की पूजा करें। अगली राशि आती है हमारी वृश्चिक राशि, अर्थ व्यवस्था आपकी ठीक रहेगी, मन में कुछ डरा डरा सा आप सहमे से रहेंगे, पर उसके बाद भी आपकी जो नेगेटिविटी है वो आपके मन पे हावी नहीं हो सकती। उपाय छोटा सा करना है, तेल में सिंदूर मिलाकर घर के मध्य में चौमुखी दीपक जलाकर उसे अपने चारों तरफ प्रकाश कीजिएगा। धनुराशि, बड़े आर्थिक लाभ के योग हैं, सफलता के कारण ऑफिस में पदोन्नति की बात चलेगी, दोस्तों के साथ घूमने फिरने का बाहर का प्लान बन सकता है, दाम्पत्य जीवन आनंदमय रहेगा। उपाय क्या करना है, कागज पर जय हो श्री राम लिखकर तिजोरी में रखें, देखिए कितना ही आपको आनंद आता है। अगली राशि आती है हमारी मकर राशि, आज आपके सितारे धन लाभ के लिए अच्छे रहेंगे, कारोबारी जो दशा है आपकी बहुत ही बढ़िया रहने वाली है, जनरल तौर पर आपका कदम जो है वो बढ़ते हैं, यानी कि आगे की ओर जा रहे हैं, आपका मान सम्मान, आपको यश प्राप्त होगा। आपको आज के लिए उपाय क्या करना है, मंदिर में चढ़े हुए सिक्के अपने वर्क प्लेस पे रखें, देखिए कितनी शांति मिलती है। आती है कुंभ राशि, किसी सरकारी काम में किसी न किसी मुश्किल से उभरने के लिए डर रहेगा, ऑफिसरों के साथ रुख पर ज्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि वो किसी समय भी आपको परेशान कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, तो उपाय के लिए क्या करना है, मंदिर में इमरती चढ़ाएं। चलते हैं मीन राशि, परिजनों के साथ परेशानियां होने के आपको योग बनते हैं, कामकाज में सफलता मिलने से आपकी जो है बाधाएं जो दूर होंगी, मन में दुविधा जो है वो थोड़ी बढ़ सकती है, कार्यभार आपका अधिक हो सकता है, शाम के बाद मन खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, तो इसके लिए छोटा सा उपाय क्या करना है, ओम धूम्रा लोचन नमः मंत्र का जाप करें, और देखिए मन आपका कितना शांत होता है। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए कुंडली टीवी। नमस्कार।